वंदे श्री ब्रह्म रूपंज मुकुंद माधव हरे वंदे निराकार मयं निरालंब ज्योतिर्गं वंदे मधुरी पुंस विनाशक दैतारी हे गोविंद गोपाल वंदे तव पादुदं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चरं ब्रजांगनाने दुगुले पिचरं अनेक जनमा अर्जित पाप चरं चरग्रगम्यं पुरुष नमामि। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, अच्युतानंद महापुरुषंकर भविष्यत मालिका पर आधारित कलियुगरे कल्कि आसुचि कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपण माने गत अध्याय रे सुनुथिले आज्ञा नारी पई किभळी भावरे संसार रे सकल धर्म नष्ट होउचि। आपण देखंतु आग को कौन घटना घटव, महापुरुष कौन कहते कले सबु जक जक नुह से तो सुना दामिका सबु बक बक नुह से तो जो कालिका। आज्ञा महापुरुष कहले सबु जक जक नुह से तो सुना दामिका सबु बक बक नुह से तो जमा कालिका। हे मोर ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली, आपण माने सुवर्ण तुल्य द्रव्य बा देखुछंती। आपण माने देखंतु आजिकालीर दिन रे अनेक सुना भली देखा जाउथिबा जिनिस आपण देखिबा को पाइबे, किंतु आज्ञा सबु गुडी को सुना नुहे। जे सबु बक बक नुहे से तो जमा कालिका। आज्ञा सबु किछि कथा किंतु भगवान कर कथा अमृत कथा नुहे। सब किछि कथा आज्ञा संसार भितरे लोक माने सत्य कहुनांती, अनेक कथा मिथ्या भासुचंती। सब कथार आज्ञा सठिक कथा मिले नाही, तेनो संसार भितरे अनेक लोक रहिछंती किंतु की भली भावरे से माने बंचिछंती आउ सेमानक प्रति लोक मानकर की भली मनोभाव रही आप देखु आग को पाखरे जदि धन न थाए ताले कौन हेब। पाखरे धन न थिले आज्ञा कौन हेब कहले पाखरे धन न थिले पाखरे धन न थिले आदर न थिबो कहार भले लो जाई फूल केही न पूछ न पूछिबे पड़ी मले जाई फूल। महापुरुष कहते आज्ञा पाखरे धन न थिले कौन हेब। संसार भितर अनेक मानव कोटि कोटि लोक रही आज्ञा किंतु से अनेक लोक मध्यमित अच्छा अनेक लोक धनीशाली लोक अच्छा अनेक लोक गरीब श्रेणी रही। या महापुरुष कौन लिखिंट कहले पाखरे धन न थिले आदर न थिबो कहार भले लो जाई फूल केही न पूछिबो पड़ी मले। आज्ञा गरीब लोक पाखरे जदि धन नथिबो ताकु केही आदर करिवे नाही। कली युगर लोकंकर लक्षण आज्ञा जा पाखरे धन अछि ता पाखरे लोक कुड़ कुड़ जा पाखरे धन नाही ता द्वार को आज्ञा केही जीवे नाही। से लोक जदि केउ जागार आज्ञा पड़ी मरी जाए तृषातुर हेउ बा क्षुधातुर हेउ बा तार कोनसी एक्सीडेंट हेउ से लोकटा जदि मरीगला आहा करिबा को ताकु साहा पदे केही नथिबे आज्ञा कारण ता पाखरे धन नाही बोली लोक ता पाखकु जानते नाही। आपण सुनंतु एई भली घटना घटिबो आग को काहे कि ना ए जो लोक माने रहिछंती संसार भितरे ताले तांकर एई भली चरित्र होउची ना धन नथिबा लोकंकर केही न करिबे आदर। मोर ज्ञानी गुणी श्रोत मंडळी जो लोक पाखरे धन आज्ञा नाही ताकु केही आदर करिवे नाही केही आज्ञा पचारे ना ता मुह कनेबे ना। महापुरुष यही कथा कहते तेबे संसार भितर अनेक कथा घटुची किंतु आज्ञा ए धन नथिबा पुरुषंकर गृह रे अनेक नारी माने मध्ये वास करिछंती। तांको भितरे जेतेबेले धनर अभाव हुए से माने कौन करंती कहला निशासक्त हेबे नारी निशासक्त हेबे नारी नृत्य करिवे पुरुषंकु धरि लो जाई फूल आलो राई फूल
राम सत्य वचन मोहरी जाई फूल। पंडिते शेषे एमती एक समय आसव नारी मैने निशासक्त हे आज्ञा नारी मैने मद्यपान करे परपुरुष धरी नृत्य करे एक राम को आज्ञा कहते गुरु तापर कौन हे यही घटना आगक घटी चल आगक देखत कि भाव अघटन माट घटी चली संसार भितर महापुरुष कहते आउ कौन करेंगे लोक मैने कहला जिह लाल सारे पड़ी जिहा लाल सारे पड़ी खाइबे मांस रे अग्नि रे पड़िलो जाई फूल आलो जाई फूल पूर्ण होइब पापर पेड़ी जाई फूल। हे मोर ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली महापुरुष कहते जे जिहा लाल सारे पड़ी खाइबे मांस जे अग्नि रे पड़िलो जाई फूल पूर्ण होइब पापर पेड़ी। आज्ञा ए जीव आहार लंपटे बंधन भव सिंधु तटे आहार लंपटर आज्ञा ये जीवटा सदा सर्वदा बंधाई जदि बंधाई तेल महापुरुष कहते शेषे मनुष्य मैने कौन करे ना मांस पोड़ी करी खाइबे। आपण मैंने शुणु जे महापुरुष कहले जीवरे जार दया ना उद्धव चांडाल से जीवरे जार दया ना उद्धव चांडाल से आज्ञा जदि निज लोक पर हो जाती किए पचार आपण मैंने शुणु महापुरुष कहते जदि गोटे मनुष्य टे मरी जाऊ छुईदे आम कौन करूचे आम कहे आम अपवित्र हो गले जदि मरबार मनुष्यटा को छुईदे जीवटा को छुईदे आम शरीर अपवित्र होगला तेल ए जो मानव समाज रही धरापृष्ठ जदि बाहाघरटी आपणकर शह शह हजार हजार पशु पक्षी मान मारी तार मांस को पोड़ी करी किए खाऊ तो आदिम जुगर जमी लोक मैंने मांस पोड़ी करी खाऊ बर्तमान से भाव में मांस खाइले लोक मैंने कौन ना जीव हत्या कर आज्ञा गोटे जीव हत्या करे गोटे जीव को जदि आम जन्म दे पारे संसार भितर ताल मार कहीं आमर कि अधिकार अच्छी तेणु बाहाघर टे हो जदि बाहाघर होहागर शह शह हजार हजार पक्षी को पशु को बध कर तार मंस को जोबले रंधन कराऊतबाला आम खाऊे आम शरीर कौन अपवित्र हो शबटा को छुईदे आम अपवित्र हो जाऊे एत जीवर मंस को आम पोड़ी करी खाऊे आम अपवित्र होने केमी आज्ञा महापुरुष कहते ये मानव यही कर्म कर संसार भितर जगन्नाथ द्वारा है आज्ञा चारिद्वार आज्ञा चारोटी पशु रही दुईटी पक्षी रही तेणु महाप्रभु आम समस्त को जनई जे पशु मान को जत्न कर तांको निकटरे दया रख श्रीमंदिर को आगे गले आज्ञा जदि गरुड़ को कुंडाई आम न धरीचे जगन्नाथ को दर्शन कले आज्ञा किसी पुण्य मिल पार ना एक महापुरुष कहते निजे महाप्रभु जनई भूषणा का दर्शन न कले आज्ञा आमर पवित्र ना आम पवित्र हो पार ना कहीं से जो चारिद्वर चारोटे सिंह रही भूषणा का गरुड़ पक्षी रही महाप्रभु कहते सदा सर्वदा पशुपक्षी को जत्न कर पशुपक्षी को जत्न कर गरुड़ को आम जदि न कुंडेवा ता पछपटे जदि मुंडिया टे न मार आज्ञा महाप्रभु को आम दर्शन कले आम कौन प्रकार फल मिल बोली एक महापुरुष कहते मंदिर को आज्ञा आम जा मंदिर पहाच को प्रथम नमस्कार करी जदि आम मंदिर द्वार आगे कौन सी पशु व पक्षी तादी आग छुई दर्शन नक घंटी बजेदे आम पाप हो तेणु घंटी बजेवा पछपटे मुंडिया मार ठाकुर को दर्शन कले आम पवित्र होटा हूँ सत्यवाक्य हे ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली बर्तमान तो समय होगला बाणी को विराम देवा प्रभु को टी स्मरण करवा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, ओम नमो भगवते श्री अच्युताय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए, ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।